अमन आप ये क्या कर रहे हो? यार सर्वाइकल के लिए स्ट्रेच कर रही हूँ, थोड़ी सी सर्वाइकल का इशू लग रहा था, मेरे नेक में थोड़ी स्टिफनेस आ गई है, तो इसलिए मैं स्ट्रेचिंग कर रही थी। क्या स्ट्रेचिंग सबके लिए सेफ है? बिल्कुल सेफ है ये स्ट्रेचिंग, बिल्कुल सेफ है जो भी करना चाहिए उसके लिए। तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आप कैसे स्ट्रेच को कर सकते हो और कितने टाइम आपको होल्ड करना है। तो सबसे पहले आपको अपना बॉडी वेट नी के ऊपर लेके आना है। अब आपको वन आर्म डिस्टेंस चेक करना है कि आपका हाथ इतना दूर हो बॉडी से। अब इसके बाद अपने हाथों को शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठाओगे आप। अब आप अपने हिप को बेंड करोगे और नीचे की तरफ बेंड होना है, आपको नीचे की तरफ जाना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको चिन अप यानी आपको ऊपर देखना है। अगर आपने गलती से भी चिन डाउन का पोस्चर कर दिया तो आपके सर्वाइकल के पेन को बढ़ा देगा, तो आपको चिन अप रखना है। यहाँ पे आप 10 मेंटल काउंट का होल्ड रखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, then inhale up, exhale, go down and stay here for 10 mental count with chin up, again up, ऐसे आपको मिनिमम 5 रेपिटेशन तो करना ही है। अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, लाइक अगर ये सिटिंग पोस्चर की वजह से या फिर शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको एक दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। इवन करते करते आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। आप सुबह शाम 5-5 रेपिटेशन कर सकते हो और आपको होल्डिंग टाइम रखना है 10 सेकेंड इज इनफ। लेकिन ये स्ट्रेच सबके लिए तो सेफ नहीं है, लाइक जिनके नी की प्रॉब्लम है वो स्ट्रेच को नहीं कर पाएंगे। तो बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी को नी का इशू है तो वो तो इस स्ट्रेच को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। लाइक किसी का ओवरवेट है, उसकी वजह से उनकी नी में दिक्कत है, या फिर एज ऐसी है कि वो नी के ऊपर अपना बॉडी वेट नहीं दे सकते, तो उस टाइम पे उनके लिए कौन सी स्ट्रेचिंग है, उस टाइम पे हम इसी स्ट्रेच को मॉडिफाई कर देते हैं नी के लिए हार्मफुल ना हो। बट वो स्ट्रेच मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो वीडियो को। बाय।